हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे क्लास नाइन्थ जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम है इंडिया साइज एंड लोकेशन। तो इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाली है इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने इंडिया की साइज के बारे में देखा था कि इंडिया जो है वो कितनी दूर के अंदर फैला हुआ है, और उसकी अगर हम वर्ल्ड वाइज देखें तो इंडिया ने कितना परसेंट एरिया पूरे वर्ल्ड के अंदर कवर करके रख रखा है। तो ये सब कुछ हमने हमारे पिछले वीडियो के अंदर जाना था। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, मतलब इंडिया और वर्ल्ड का दोनों का क्या कनेक्शन है, और जो इंडियन ओशियन है उसका नाम इंडिया के नाम के पीछे ही क्यों रखा गया, और भी बहुत सारी कंट्रीज थी उनके नाम के पीछे क्यों नहीं रखा। तो ये सब कुछ हम हमारे आज के वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैज द सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। अगर हम ईस्ट एशिया से भी देखें और अगर हम वेस्ट एशिया से भी देखें, जैसे मान लो ये पूरा एशिया है, तो ये इस ये वाला इधर वाला ईस्ट एशिया हो गया और ये वेस्ट एशिया हो गया। तो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया से बीच में आती है इंडिया की पोजीशन, और इंडिया जो है वो पूरे एशिया के अंदर सदर्न पार्ट के अंदर आता है। मतलब ये पूरा एशिया है तो इसके अंदर ये जो सदर्न पार्ट है यहाँ पे आता है इंडिया, और वो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया दोनों के बीच में आता है। तो ये एक इंडिया की पोजीशन हो गई कि वो ईस्ट एशिया और वेस्ट एशिया दोनों के बीच में आता है और वो सदर्न पार्ट है एशिया का। द ट्रेंथ ऑफ इंडियन ओशन कनेक्टिंग अदर कंट्रीज विद इंडिया। अब ये जो इंडियन ओशियन है यहाँ पे, ये श्रीलंका है और ये बाकी का जो इंडियन ओशियन है, यहाँ पे क्या होता है, इस ओशियन के थ्रू इंडिया जो है वो बाकी कंट्रीज से कनेक्टेड रहता है। कनेक्टेड के सेंस में मतलब पहले जो ट्रेड होता था, ट्रेड तो अभी भी होता है, तो जो ट्रेड होता है उससे जो इंडिया है वो सभी से कनेक्टेड रहता है। जैसे कोई मान लो यहाँ पे ट्रेड होगा तो वो यूरोपियन कंट्रीज तक पहुँच जाएगा, कोई भी सामान होगा वो यूरोपियन कंट्रीज तक पहुँच जाएगा। यहाँ पे अफ्रीका पास में है तो यहाँ पे भी पहुँच जाएगा, और इधर वाली कंट्रीज़ के पास भी पहुँच जाएगा, जो जापान वगैरह है वहाँ पे भी इंडिया से जो सामान होता है वो पहुँच जाता है। मतलब और जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यहाँ तक भी सारा सामान पहुँच जाता है ओशंस के थ्रू। तो इंडिया जो है वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है थ्रू सी रूट, वो ओशन से या फिर कोई भी मेडिटेरियन से, इन सभी से पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है। तो ये एक इंडिया को प्रॉफिट मिल गया कि वो जो इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड से कनेक्टेड है, किसके थ्रू, इंडियन ओशियन के थ्रू। द डेक्कन पेनिनसुला प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन। अब ये जो यहाँ का वाला एरिया होता है ये क्या है, पेनिनसुला पार्ट है। पेनिनसुला पार्ट क्या होता है, एक ऐसा लैंडमार्क जो तीन साइड से पानी से गिरा हुआ हो। तो ये हमारा जो सदर्न पार्ट है इसके इस साइड भी वाटर है, इस साइड क्या है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशियन है और इधर अरेबियन सी है। तो इंडिया जो है वो तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ है, और ये वाला जो यहाँ पे पेनिनसुला बनता है, यहाँ पे एक प्लेट्यू भी बनता है। प्लेट्यू मतलब जो एक टेबल टॉप होता है, जैसे पहले ये मान लो लैंड सरफेस एरिया है तो इसे ये टेबल की तरह थोड़ा उठा हुआ रहता है, तो ये पेनिनसुला हो गया। तो डेक्कन पेनिनसुला ये क्या हो गया, ये प्लेट्यू होगा, नीचे डेक्कन प्लेट्यू है। तो जो टेबल टॉप होता है, जो जमीन से थोड़ा हुआ उठा हुआ रहता है, तो उसे हम प्लेट्यू बोलते हैं। तो इसके बारे में वैसे हम हमारे नेक्स्ट चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो द डेक्कन पेनिनसुला, ये जो डेक्कन पेनिनसुला है जो कि तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, प्रोट्रूड्स इनटू द इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन के अंदर प्रोट्रूड हो रहा है, मतलब ये इंडियन ओशियन के अंदर ऐसे अंदर आ रहा है दोनों साइड से, वो टैपर कर रहा है अंदर। विच हेल्प अस टू एस्टेब्लिश कॉन्टेक्ट विथ वेस्ट एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप। और वो हमारी हेल्प करते हैं किसके अंदर, बाकी की दूसरी कंट्रीज के अंदर कॉन्टेक्ट करने में, मतलब उनसे कोई भी वो ट्रेड वगैरह सभी कुछ यहाँ से ही होता है। क्योंकि हमने देखा है, हम बहुत बार सुनते हैं कि या तो यहाँ पे मालाबार कोस्ट से ट्रेड होता है या फिर इधर बे ऑफ बंगाल, इन सभी से ही यहाँ से ही ट्रेड होता है। तो यहाँ से ट्रेड होता है तो इससे क्या होता है कि हम जो है बाकी कंट्री से कनेक्टेड रहते हैं। तो यहाँ पे ये जो डेक्कन पेनिनसुला है जो कि पानी इंडियन ओशियन के अंदर टैपर कर रहा है, प्रोट्रूड हो रहा है, विच हेल्प्स अस टू एस्टेब्लिश,
जो हमारी हेल्प करता है बाकी कंट्री से कांटेक्ट करने में, मतलब उनसे हम कनेक्टेड रहते हैं। विद वेस्ट एशिया, किस किस से हम कनेक्टेड रहते हैं? वेस्ट एशिया से। तो एशिया के जो वेस्ट साइड में आते हैं उनसे भी हम कनेक्टेड रहते हैं। अफ्रीका, ये हमारे जो पास वाला कॉन्टिनेंट है अफ्रीका, उससे भी हम कनेक्टेड रहते हैं। और यूरोप, यूरोप से ट्रेड करने आते थे ब्रिटिशर्स, तो हम उनसे भी कनेक्टेड थे ओशंस के थ्रू। तो हम पूरे वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर कनेक्टेड रहते हैं किससे? सी रूट से। इंडिया हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशन। अब ये जो इंडियन ओशन है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन किसकी है? इंडिया की। जैसे ये जो इंडिया है उसकी इतनी कोस्ट लाइन है, और यहाँ पे जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सभी से भी हम, ये भी क्या है, हमारी जो है कोस्ट लाइन ही है। तो इंडिया की जो कोस्ट लाइन है पूरे इंडियन ओशियन के अंदर, वो सबसे ज़्यादा है। इतनी कोस्ट लाइन किसी भी दूसरी कंट्री की नहीं है। तो ये जस्टिफाई, इससे हम ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि जो इंडियन ओशियन है उसका जो नेम है वो इंडिया के नेम के पीछे पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया को कितने सारे प्रॉफिट मिले हुए हैं। वो बाकी की कंट्रीज से भी कनेक्टेड है सी रोड के थ्रू, इंडियन ओशन के थ्रू, और इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो भी सबसे ज़्यादा है इंडियन ओशन के अंदर। और जो इंडिया है वो वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया दोनों के बीच में आता है, सेंट्रल लोकेशन है इंडिया की। और इंडिया सदर्न पार्ट के अंदर भी लाइज करता है, और वो कनेक्टेड भी रहता है कहाँ से, ये जो डेक्कन पेनिनसुला है इससे। तो हमने थोड़ा बहुत जान लिया इंडिया एंड द वर्ल्ड। तो हमने देख लिया कि ये जस्टिफाई है कि इंडियन ओशन का नाम इंडिया के नाम के पीछे ही पड़ सकता है, क्योंकि इंडिया को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिले हुए हैं। तो अब हम आगे बात करेंगे, तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो अब क्या है कि जो इंडिया है, हमने देखा था कि जो इंडिया है वो सी रूट से बाकी की कंट्री से कनेक्टेड है। लेकिन सी रूट मतलब जो शिप वगैरह थी वो तो थोड़े दिनों पहले ही, कुछ साल पहले ही डिस्कवर हुई थी। उससे पहले तो जो इंडिया है वो लैंड के थ्रू भी बहुत सारी कंट्रीज से कनेक्टेड था। जैसे मान लो हमारा ही पूरा एशिया है, तो इसके अंदर इंडिया जो है वो यहीं कहीं पे आता है। तो जो इंडिया है वो सदर्न पार्ट के अंदर आता है, और वो बीच में भी लाई करता है एशिया के। तो जो इंडिया है वो लैंड के थ्रू भी बाकी की कंट्रीज से कनेक्टेड था। तो जैसे ऐसे वो बाकी की कंट्री से कनेक्टेड था, क्योंकि शिप वगैरह तो बाद में डिस्कवर हुई थी, पहले तो लैंड रूट के थ्रू ही जो है लोग कनेक्टेड रहते थे। तो जो इंडिया है वो लैंड से भी बाकी की कंट्री से कनेक्टेड था। और जो इंडिया है वो पहले जो भी लोग आते थे वो कहाँ से आते थे? माउंटेन की जो वैलीज होती है, जैसे ये तो माउंटेन्स है। अब मान लो माउंटेन्स के थ्रू जैसे चाइना वाले लोग होते हैं, उन्हें इंडिया के अंदर आना होता है, या फिर बाकी के पर्सन्स को अगर इंडिया के अंदर आना होता है, क्योंकि इंडिया के जो सदर्न जो नदर्न पार्ट है वहाँ से तो लोग आ नहीं सकते, क्यों? क्योंकि वहाँ पे हिमालयाज है, तो हिमालयाज के थ्रू वो कैसे आएंगे इंडिया के अंदर? तो वो इंडिया के अंदर कैसे आते थे? ये जो वैलीज होती है माउंटेन के बीच वाली जो जगह होती है, जैसे ये दो माउंटेन है, इनके बीच की जो जगह होती है, यहाँ से लोग आ जाते थे ट्रेड करने के लिए। तो ये सब कुछ करने के लिए वो इंडिया के अंदर आते थे। तो इंडिया जो है वो लैंड के थ्रू भी कनेक्टेड है, और नदर्न पार्ट के अंदर माउंटेन्स के बीच में जो वैलीज होती हैं वहाँ से लोग आ जाते थे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए। अब जैसे मान लो माइग्रेशन होता है, एक कंट्री से लोग कोई दूसरी कंट्री के अंदर जाते हैं, जैसे ये इंडिया है और मान लो कहीं पर ग्रीक मान लेते हैं, तो या फिर दूसरी कंट्री जैसे यहाँ पे हम अमेरिका मान लेते हैं। अब अगर अमेरिका से लोग इंडिया के अंदर आएंगे, और इंडिया के लोग अगर अमेरिका के अंदर जाएंगे, तो उनके साथ में उनके थॉट्स भी जाएंगे, उनके आइडियाज़ भी जाएंगे। तो जब लोग जाते थे दूसरी कंट्रीज़ के अंदर, तो वो अपने थॉट्स को लेके जाते थे, अपने आइडियाज़ को लेके जाते थे। जैसे अगर मान लो अपनी जो उपनिषद होती है उसके अंदर कोई आइडिया दिया हुआ है, तो इंडिया के जो लोग हैं वो अगर मान लो अमेरिका में गए ट्रेड करने के लिए, तो जो अगर वो इंडिया से अमेरिका के अंदर गए, तो वो अपने उपनिषद के अंदर जितने भी आइडियाज़ हैं उन्हें भी लेकर जाएंगे, क्योंकि वो आइडिया तो उनके पास में है, उन्होंने उपनिषद पढ़ी होगी तो उनके पास में वो आइडियाज़ होंगे। तो वो आइडियाज़ भी अपने अमेरिका के अंदर लेके जाएंगे, वहाँ के लोगों को बताएंगे, रामायण के आइडियाज़ को भी लेके जाएंगे। और अगर उनके पास और कोई दूसरे पंचतंत्र की जो कहानियाँ होती हैं, उनके जो मोरल्स होते हैं, उन्हें भी लेकर जाएंगे। तो अगर मान लो कोई कंट्री से कोई पर्सन दूसरी कंट्री के अंदर जाता है, तो वो खुद तो जाता ही है, उसके साथ ही साथ में उनके जो आइडियाज़ होते हैं, उनके जो थॉट होते हैं,
ये भी उनके साथ में जाते हैं। अब जैसे मान लो कोई भी व्यक्ति है वो यूरोप के अंदर गया होगा, तो इंडिया से कोई व्यक्ति अगर यूरोप के अंदर गया होगा तो उसने इंडिया की स्पाइसेस के बारे में बताया होगा उन्हें कि अगर हम जो वेजिटेबल्स होती हैं उनके अंदर स्पाइसेस डालेंगे, मसाले डालेंगे, तो जो खाना है वो टेस्टी होगा। वरना यूरोपियंस तो बॉयल्ड फूड खाते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन जब इंडियंस, अगर मान लो कोई इंडियन गया होगा यूरोप के अंदर, तो उसने अपने स्पाइसेस, इंडिया के स्पाइसेस के बारे में ब्रिटिशर्स को बताया होगा, तभी तो वो इंडिया के अंदर ट्रेड करने आए थे, वो स्पाइसेस, कार्डमम, ये सब कुछ लेके जाते थे। तो उनके आइडियाज़ गए ना, उन्होंने स्पाइसेस के बारे में लोगों को बताया तो वो ट्रेड करते हैं, तो उनके आइडियाज़ भी जाते हैं। अब जैसे मान लो जो ग्रीक है, ऐसा नहीं है कि इंडिया से आइडिया ही गए हैं, इंडिया के अंदर आइडियाज़ बाकी के आए भी हैं। जैसे जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे वो इंडिया के अंदर आए थे, या फिर ग्रीक से कोई पर्सन आया होगा इंडिया के अंदर, तो उन्होंने आर्किटेक्चर के बारे में बताया कि हम घर को कैसे बना सकते हैं। तो जो चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त मौर्य, उस समय का जो टाइम पीरियड था, उस टाइम पीरियड में जो ग्रीक्स पर्सन थे वो इंडिया के अंदर आए थे और उन्होंने आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। तो ये हमने थोड़ा बहुत और जान लिया कि जो अगर मान लो कोई जो पर्सन है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाता है, तो उसके आइडियाज जो होते हैं वो भी एक्सचेंज होते हैं। जैसे उपनिषद के आइडियाज, रामायण के आइडियाज और जो पंचतंत्र स्टोरी है उनके मोरल्स, वो सभी भी एक्सचेंज होते हैं। तो ये भी हमने जान लिया। तो हमारे वाला जो टॉपिक है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये कंप्लीट होता है। इसके अंदर हमने जाना कि जो इंडियन ओशियन है उसका नाम इंडिया के नाम के पीछे ही क्यों रखा। अब हम आगे बात करेंगे। तो अब हम थोड़ा बहुत और जान लेते हैं। तो हमने देखा था कि जो इंडिया है उसका लैंड रूट से भी क्या है, कनेक्शन है बाकी की कंट्री से, और सी रूट से भी है। और जो अगर मान लो कोई एक पीपल दूसरी कंट्री के अंदर जाता है तो उसके आइडियाज भी जाते हैं। जैसे इंडिया के अंदर मुस्लिम कपड़े पहनते थे तो वो भी मुस्लिम कपड़े भी जो है वो भी बाकी की कंट्रीज के अंदर गए, रामायण के, उपनिषद के और पंचतंत्र की स्टोरीज के मोरल, ये सभी आइडियाज जो है वो भी जाते हैं। और स्पाइसेस भी गई थी हमारे ब्रिटेन के अंदर, तो वो आइडियाज जाते हैं। और एक जो डू यू नो फैक्ट क्या है, द ओपनिंग ऑफ द स्यूज कैनाल इन 1869, जो स्यूज कैनाल है वो ओपन हुई थी। जैसे ये इजिप्ट है और यहाँ पे क्या है, यूरोप है। तो यहाँ पे कहते हैं पहले थोड़ा सा कनेक्शन था किसका, लैंड से, ऐसे ये दोनों आपस में ऐसे लैंड से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पे थोड़ी सी ऐसे लैंड थी। और इधर क्या था, पानी था, इधर मेडिटेरियन सी थी और इधर क्या थी, रेड सी थी। तो दोनों तरफ पानी था, बस ये थोड़ी सी जगह से लैंड से जुड़े हुए थे, इजिप्ट और यूरोप, ये लैंड के थ्रू जुड़े हुए थे, इधर रेड सी थी और इधर मेडिटेरियन सी। लेकिन बाद में क्या होता है कि एक कैनाल खोल दी जाती है, कहाँ पे, ये जो शूज जगह थी यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे एक जगह थी शूज, तो वहां से कैनाल जो है वो खोल दी जाती है। ताकि पहले क्या होता था, जैसे मान लो ये इंडिया है यहाँ पे और ये क्या है, यूरोप है, ऐसे थोड़ा दूर दूर होते हैं लेकिन हमने पास में बना दिया, और यहाँ पे इजिप्ट है, ये थोड़े से जुड़े हुए हैं और यहाँ पे बाकी की कंट्रीज है। तो पहले यूरोपियंस को क्या करना पड़ता था, वो यहाँ से आते थे और उनको ऐसे करके ऐसे ट्रेड करके जाना पड़ता था इंडिया से। लेकिन जब स्यूज कैनाल को ओपन कर दिया गया तो जो यूरोपियंस थे वो कहाँ से निकल जाते थे, यहाँ से इंडिया से ट्रेड करते थे और स्यूज कैनाल से यूरोप के अंदर चले जाते थे मेडिटेरियन सी से। तो उनका जो डिस्टेंस था वो कम हो गया। क्या बताया मैंने बताया कि जो इंडिया थी पहले उसे यूरोपियंस को बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करना पड़ता था, वो इंडिया से आते थे क्योंकि यहाँ पे तो शूज जो जगह थी वहाँ से क्या होता था, इजिप्ट और जो यूरोप है वो दोनों सी लैंड के थ्रू जुड़े हुए थे, तो मान लो यूरोपियंस को ऐसे बहुत ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस कवर करना पड़ता था। लेकिन शूज जगह के अंदर इजिप्ट को और यूरोप को दोनों को अलग अलग कर दिया गया, इस साइड रेड सी थी और इस साइड मेडिटेरियन सी और बीच में थोड़ी सी जगह थी, तो इस जगह को क्या किया गया, हटा दिया गया और एक कैनाल बन गई स्यूज जगह के पास में थी, तो उस जो कैनाल थी उसका नाम स्यूज कैनाल पड़ गया। तो ये हमने जान लिया, तो द ओपनिंग ऑफ स्यूज कैनाल इन 1869, और ये ओपन कब हुई थी, स्यूज कैनाल 1869 के अंदर। इंडिया डिस्टेंस फ्रॉम यूरोप हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 7000 किलोमीटर। इंडिया का जो डिस्टेंस था वो, इंडिया से यूरोप तक का जो डिस्टेंस था वो 7000 किलोमीटर कम हो गया।
सो जो जो यूरोपियंस थे उनको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता था। अब जब ये स्यूज कैनाल ओपन हो गई तो 7000 किलोमीटर डिस्टेंस जो है वो कम हो गया। अब हम बात करेंगे हमारे आज के लास्ट टॉपिक के इस चैप्टर के, जो कि है इंडियन नेबर्स। तो इंडिया के नेबर कौन कौन से हैं, कौन कौन सी कंट्रीज है जो कि इंडिया के नेबर के अंदर आती है। तो एक जो सबसे पास में है हमारे वो है पाकिस्तान, जो कि पहले हमारा ही पार्ट था। तो यहाँ पे आता है पाकिस्तान जो, और यहाँ पे तो पाकिस्तान आता है, लेकिन एक कंट्री और है जो कि हमारे नॉर्थ वेस्ट साइड के अंदर हमसे जुड़ी हुई है, जो कि है अफगानिस्तान। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो अफगानिस्तान ने कवर करके रख रखा है। मतलब पाकिस्तान तो हमारी नेबरिंग कंट्री है ही नॉर्थ वेस्ट साइड में, लेकिन जो अफगानिस्तान है वो भी हमसे जुड़ी हुई है थोड़ी बहुत। तो हमारी नॉर्थ वेस्ट साइड में, ये नॉर्थ हो गई, ये वेस्ट हो गई, तो नॉर्थ वेस्ट साइड में हमसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान जुड़ी हुई है। तो दो कंट्रीज हो गई, एक पाकिस्तान और एक अफगानिस्तान। अब हमारे ये जो नॉर्थ, यहाँ पे जो नॉर्थ साइड है यहाँ पे क्या है, चाइना है। तो यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है। और जो थ्री कंट्रीज है वो हमारे नॉर्थ साइड के अंदर जुड़ी हुई है, कौन सी, एक चाइना, एक नेपाल और एक भूटान। तो हमने फाइव कंट्रीज देख ली, नॉर्थ वेस्ट साइड में पाकिस्तान और अफगानिस्तान, और नॉर्थ साइड में चाइना, नेपाल और भूटान, फाइव कंट्रीज हो गई। अब ये जो इधर है हमारे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साइड में, ये नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। तो हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड के अंदर भी दो कंट्रीज आती हैं, एक हो गई म्यांमार और एक हो गई बांग्लादेश। तो दो कंट्रीज आती हैं हमारी नॉर्थ ईस्ट साइड में, म्यांमार एंड बांग्लादेश। तो टोटल कितनी कंट्रीज हो गई। अब आपको ये जो मैप है इंडिया का वो अच्छी तरीके से याद होना चाहिए, आपको बस मैप को अपने दिमाग के अंदर रिवाइंड करना है और देखना है कि कौन कौन सी कंट्रीज कहाँ पर है। तो इधर है पहले पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान, फिर चाइना, फिर नेपाल, फिर भूटान, फिर म्यांमार, फिर बांग्लादेश। तो इतनी कंट्रीज तो हमने देख ली। अब जो हमारे जो सदर्न पार्ट है जहाँ पे तमिलनाडु वगैरह, वहाँ पे भी दो कंट्रीज है, दो आइलैंड कंट्रीज है। एक तो है श्रीलंका, जिसे कि हम सभी जानते हैं, जो कि इंडिया के एकदम पास में है, और एक है मालदीव्स। यहाँ पे है मालदीव्स, यहाँ पे तो है लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप के सदर्न पार्ट के अंदर है मालदीव्स। तो दो जो है आइलैंड कंट्रीज है जो कि हमसे जुड़ी हुई है, एक है श्रीलंका और एक है मालदीव्स। और इंडिया की जो बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा किससे टच है, वो है बांग्लादेश से। तो बांग्लादेश से जो इंडिया की बाउंड्री है वो सबसे ज़्यादा लगी हुई है। तो ये हमने बांग्लादेश का एक फैक्ट जान लिया कि बांग्लादेश से इंडिया की बाउंड्री जो है वो सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो ये तो हमने देख लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज जो है वो इंडिया से जुड़ी हुई है। अब यहाँ पे कुछ हम जान लेते हैं इंडिया और श्रीलंका के पास में। तो ये जो डिस्टेंस है यहाँ से इंडिया से श्रीलंका के बीच में, यहाँ पे थोड़ी बहुत जगह घेरते हैं, जैसे ये देखो, ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं, ये है इंडिया और यहाँ पे है श्रीलंका। तो ये इंडिया और श्रीलंका है, इसके बीच में ये जो जगह है इसे हम बोलते हैं पर्क स्ट्रेट। तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, इस जगह को हम बोलते हैं पर्क स्ट्रेट। एक बार फिर से लिख देते हैं, अब ये है इंडिया और ये है श्रीलंका, इसके बीच की ये जो जगह है ये हो गई पर्क स्ट्रेट। तो ये हमने एक फैक्ट जान लिया कि जो इंडिया है और श्रीलंका के बीच की जगह को पर्क स्ट्रेट बोलते हैं। और इंडिया के जो सदर्न पार्ट है वहाँ पे एक गल्फ भी बनता है। गल्फ क्या होता है, एक ऐसा पार्ट जो कि तीन साइड से लैंड से घिरा हुआ हो। पेनिनसुला क्या होता है, जो कि तीनों साइड से पानी से घिरा हुआ हो। लेकिन गल्फ क्या होता है, एक ऐसा लैंडमार्क जो तीन साइड से जो लैंड है उससे घिरा हुआ हो। तो यहाँ पे एक गल्फ भी आता है ऐसे। तो ये जो गल्फ है इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो गल्फ आता है इंडिया के अंदर इसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। तो ये गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं। तो एक गल्फ भी आते हैं यहाँ पे। तो इंडिया जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स, इंडिया की जो लिंक्स है वो जियोग्राफिकल भी और हिस्टोरिकल्स भी है। मतलब हम बाकी की कंट्रीज से जुड़े हुए हैं। तो जैसे मान लो इंडिया की जो जियोग्राफिकल लिंक्स, पहले हम हिस्टोरिकल लिंक्स जान लेते हैं।
कि जो इंडिया है उसकी हिस्टोरिकल लिंक्स कैसे थी बाकी के कंट्रीज से। तो क्या होता था कि ये जो इंडिया है, पहले पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था, बांग्लादेश भी हमारा पार्ट था, और नेपाल भी बस थोड़ा बहुत हमारा पार्ट था ही, नेपाल भी वैसे हमारा ही पार्ट था। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि ये सब कुछ क्या थे, हमारा ही लगभग से पार्ट थे। तो हमारी हिस्टोरिकल लिंक्स जुड़ी हुई है इन सभी से, क्योंकि ये हमारा ही पार्ट थे। पहले पाकिस्तान भी हमारा पार्ट था, बांग्लादेश भी हमारा पार्ट था, और नेपाल भी हमारा पार्ट था। तो इसे हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं। तो हमारी इनसे क्या है, हिस्टोरिकल लिंक्स है, हिस्ट्री में कहीं ये हमारे पार्ट हुआ करते थे। और जियोग्राफिकल लिंक्स कैसे हैं, तो इंडिया का जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि हमारे ऊपर जो फॉरेन इन्वेजन हुए हैं वो राजस्थान वाली साइड से ही हुए हैं। जैसे अगर इंडिया के ऊपर जो अटैक हुए हैं वो सभी राजस्थान वाली साइड से ही हुए हैं। कैसे, क्योंकि इंडिया का जो नदन पार्ट है वहाँ पे क्या है, हिमालयाज है। तो ऐसे पूरे हिमालयाज फैले हुए हैं इंडिया के अंदर, तो ऐसे हिमालयाज जो है वो फैले हुए हैं। तो ऊपर से तो ज़्यादा इन्वेजन होंगे नहीं, क्योंकि चाइना वाले अंकल ऐसे थोड़ी हैं कि ऊपर पहले हिमालयाज के ऊपर चढ़ेंगे फिर हिमालयाज से नीचे उतरेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो उधर जो नदन साइड है वहाँ से तो अटैक होगा नहीं इंडिया के अंदर। और यहाँ पे जो है, जो हमारा ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो उस साइड से भी कोई इन्वेजन नहीं होगा। इतने सारे डेंस फॉरेस्ट हैं कि कोई अगर डेंस फॉरेस्ट के अंदर चला भी जाए तो उसे पता ही नहीं चलता कि वो किधर जा रहा है। तो बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, और यहाँ पे समुद्र है तो यहाँ से कोई जा ही नहीं सकता, कोई आएगा ही नहीं। और बचा हमारा ये वाली साइड, तो यहाँ से जो है बहुत ज़्यादा फॉरेन इन्वेजन हुए हैं। जैसे जो बहुत सारे पीपल्स थे वो इस साइड से ही आए, दिल्ली सल्तनत, मुगल सल्तनत, तो सभी पीपल यहीं से ही आए हैं। तो हमने ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट कर लिया, इंडियाज नेबर्स के, इंडिया के कौन कौन से नेबर्स हैं, कौन कौन से नेबर्स हैं इंडिया के, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, और कुछ आइलैंड्स भी हैं जो कि हमसे जुड़े हुए हैं, एक है श्रीलंका, एक है मालदीव्स। श्रीलंका और इंडिया के बीच की जो जगह है उसे हम पाल्क स्ट्रेट बोलते हैं, और नीचे एक गल्फ भी है उसे हम बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। इंडिया के बाकी की कंट्रीज से हिस्टोरिकल और जियोग्राफिकल लिंक्स जो है वो जुड़ी हुई है। तो इसी के साथ हमारा क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन कंप्लीट होता है। इसके नेक्स्ट वीडियो से हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक को या फिर नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। इफ़ एनीबडी हैव एनी टाइप ऑफ डाउट, एनी टाइप ऑफ क्वेरी, देन प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच।